मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। पिछले लेक्चर में थोड़ा सा मॉडुलस के बारे में बताया भी था, आपको याद हो तो, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और जब हम लोग कॉन्जुगेट और मॉडुलस पढ़ लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर खुल जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर आधा खुल जाता है मॉडुलस और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पढ़ने पे, और पूरा खुल जाता है आर्गुमेंट पढ़ने पे। जिस दिन आर्गुमेंट पढ़ लेते हैं उस दिन चैप्टर पूरी तरह से ओपन हो जाता है, उसके बाद हर तरह के सवाल बनने लगते हैं। अभी हमने बस कॉन्जुगेट पढ़ा हुआ है, मॉडुलस पढ़ लेंगे, कुछ चैप्टर कुछ चीजें खुल जाएंगी ताकि सवाल कुछ अच्छे करने लगेंगे। पहली बात है कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को cn यानी कॉम्प्लेक्स नंबर z को लिखा जाएगा x प्लस iy लिखा जाता है, ठीक है। तो आपका दूसरा जो इसका मॉडुलस हो जाएगा, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय मॉड z से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मॉड z की वैल्यू हमेशा होती है अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। डिस्क्रिप्शन होता है यानी इसको पढ़ा किया जाता है, यानी रीड एज डिस्टेंस मॉड z को पढ़ा जाता है, डिस्टेंस ऑफ z का डिस्टेंस फ्रॉम कहां से, ओरिजिन से। क्योंकि इसको लिखने का जो एक्चुअल तरीका है ना, वो मॉड जेड को लिखने का तरीका है मॉड जेड माइनस जीरो। इसका मतलब कि कभी ये जेड वन माइनस जेड टू लिखा जाएगा तो क्या पढ़ा जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन जेड वन एंड जेड टू, जेड वन और जेड टू के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। थर्ड नंबर के बाद फोर्थ नंबर पे आते हैं, अगर हम इसको इसमें इस वाले में डिनोट करें, ये एक्स एक्सिस आपका वाई एक्सिस, इसको आर्गेंट प्लेन पे डिनोट करें, तो जेड का मतलब ये आपका है एक्स प्लस आई वाई। और आपको बताया गया है कि आप याद रखना कि आपके मैक्सिमम सीट के सवाल जेड को एक्स कामा वाई के टर्म में लिखेगा, जेड को मैक्सिमम एक्स कामा वाई के फॉर्म में लिखेगा, ठीक है ना। बस एक सेकेंड में आया जरा, तो ये आपका है यहां से, ये देखो ये जो है यही वाली आपका डिस्टेंस कहलाएगी जीरो कामा जीरो ओरिजिन से, यही मॉड जेड कहलाएगी। देखो आप ध्यान से, तो ये वाली डिस्टेंस आपका एक्स है और ये वाली डिस्टेंस कितनी है वाई, तो मॉड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट में दिख रहा होगा बाई पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम बात करें ये चार नंबर के बाद, अगर हम बात करें पांचवे नंबर पे, इसकी प्रॉपर्टीज को लिखना चालू करें कि प्रॉपर्टीज क्या होती है इनकी, तो फटाफट जरा प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। याद है कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी कुछ 12 13 14 कुछ लिखवाया था, याद है ना, वैसे ही सारा ये भी प्रॉपर्टी जो जाएगा पांचवा, कि देखो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाइड है उनका मॉडुलस निकाला है तो मॉडुलस अलग अलग हो जाता है, मल्टीप्लाइड है तो अलग अलग हो जाता है, अगर दो ही नहीं तीन भी हो चार भी हो तो भी मल्टीप्लाइड अलग अलग हो जाता है। बात समझ में आ रही है, तो भी मल्टीप्लाइड अलग अलग हो जाता है, मॉड जेड वन मॉड जेड टू डॉट 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 मॉड जेड, ठीक है। अगर ऐसे ही छठे नंबर पे आते हैं, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन बाई जेड टू है तो इसका भी कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाता है, ये हो जाएगा, ये कॉन्जुगेट बोला हूं मॉडुलस अलग अलग हो जाता है मॉड जेड वन अपॉन मॉड जेड टू। अब यहां से सातवें नंबर पे एक बात ध्यान रखेंगे, मॉड जेड बार का कॉन्जुगेट मॉडुलस इज सेम एज कॉन्जुगेट का मॉडुलस, और इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, आठवें नंबर पे जरा हम बात करेंगे, आठवें नंबर अगर जेड की पावर एन का कॉन्जुगेट ये मॉडुलस इज सेम एज मॉड जेड की पावर एन, ठीक है ना। आपका पहले इतना नोट कर लो, फिर नवे नंबर का प्रॉपर्टी लिखाते हैं। नाइन्थ नंबर पे आते हैं, नाइन्थ नंबर पे आपका जैसे मान लो कि मॉड ऑफ, अच्छा एक चीज और है, आपको याद हो तो मैंने लिखाया था कि जेड इंटू जेड बार अगर मैं जब कराया था तो क्या आया था, मॉड जेड का स्क्वायर, याद है कॉन्जुगेट में मैं कराया था ये बात, कि जेड के जगह पे हमने लिखा था एक्स प्लस आई वाई, और अगर जेड बार के जगह पे लिखा था एक्स माइनस आई वाई, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया जेड इंटू जेड बार, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये नथिंग बट ये क्या है मॉड जेड का स्क्वायर। ये सबसे काम की बात है मॉडुलस में, सबसे काम की बात यही है कि आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी मॉड जेड स्क्वायर जहां भी आएगा वहां पे जेड जेड बार से रिप्लेस करो, या जेड जेड बार को मॉड जेड स्क्वायर से रिप्लेस करो, या यहां से वही बाकी सारी बातें कि जेड को रिप्लेस करो जेड बार बाई मॉड जेड स्क्वायर से, नहीं मॉड जेड स्क्वायर अपॉन
बिल्कुल बताया था ना ये बात, तो दोबारा करो क्योंकि उतना ही इम्पोर्टेंट है ये। और ये आपका जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर अपॉन जेड, क्योंकि गलती यही होती है 90% कठिन सवाल इसी प्रॉपर्टी से बन जाते हैं। 90% कठिन सवाल जो दिखते हैं कि कोई उसमें आइडिया नहीं सोचता है वो यहां से बन जाएगा। अगर आपको मॉड जेड इज इक्वल टू, सुन लो यहां पे, अगर मान लो कि गिवेन हो मॉड जेड इज इक्वल टू कुछ ए गिवेन हो आपको, तो आपका ये धर्म बनता है, धर्म मतलब जानते हो कि ये काम करना जरूरी है कि मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर ए स्क्वायर लिखो और जेड जेड बार इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिखो और जेड की वैल्यू जेड बार की वैल्यू ए स्क्वायर बाय जेड लिखो या जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय जेड बार लिखो, इन दोनों आपको लिखना कर्तव्य है। भले आ जाएगी लेकिन आप भाई वो बात नहीं है, क्वेश्चन में आपका सवाल जब आपका प्रोसीड करना होगा ना तो इनको लिखते ही आपका 90% सवाल सॉल्व हो जाते हैं। आप सीट देखना, सीट के मैक्सिमम सवाल देखना, अभी कराएंगे उनके मैक्सिमम सवाल देखना, यहीं से आपके सवाल बन जाते हैं। अब जरा देखो नाइन्थ के बाद टेंथ नंबर पे क्या आपका जेड वन प्लस जेड टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका मॉडुलस निकालना होगा। तो अभी आपने पढ़ा कि अगर इसका मॉडुलस निकालना होगा तो आपने क्या किया कि जब भी किसी का मॉडुलस निकालना है तो आप देखो किस चीज से रिप्लेस कर रहे हो, उसका स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड वन। मतलब अगर हमसे कोई कहेगा तो पहले हम जेड वन प्लस जेड टू का मॉडुलस का स्क्वायर निकालेंगे और इसको कहेंगे कि ये लिखा है जेड वन प्लस जेड टू इंटू, क्या ये जेड वन प्लस जेड टू क्या बार लिखा है क्या ऐसा, आएगा समझ में, यही इंटू यही इंटू इसका बार। और इसका बार का मतलब ये हो गया क्या कि जेड वन प्लस जेड टू और जेड टू का कंजुगेट की प्रॉपर्टी लग जाएगी यहां पे, जेड वन कंजुगेट प्लस जेड टू कॉन्जुगेट। बोलो बात समझ में आया? अच्छा यानी फाइनली आया जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जेड इंटू जेड वन बार, जेड वन इंटू जेड वन बार प्लस ये है जेड वन इंटू जेड टू बार, फिर प्लस फिर जेड टू इंटू जेड वन बार, फिर प्लस जेड टू इंटू जेड टू बार। अच्छा बताओ ये मैं किसको क्या लिख सकता हूं, मॉड जेड वन का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम, ये हो गया मॉड जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर इक्वल टू, ये लिख सकते हैं मॉड जेड वन का स्क्वायर प्लस उसको क्या लिख सकता हूं मैं आखिरी वाले को मॉड जेड टू का। अच्छा ये जरा बताओ क्या ये इसका ये कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है क्या, यानी देखो तो जरा अगर मुझसे कोई ये कहेगा कि जेड वन जेड टू बार का बार निकालो तो क्या आएगा इसका बार, क्या ये जेड वन का बार इंटू जेड टू का बार आ जाएगा क्या, और क्या ये आपका जेड वन बार इंटू जेड टू आ गया क्या, वापस यही आ गया क्या, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि अगर इसका कॉन्जुगेट देखा जाए तो ये है, मतलब ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट लिखे गए क्या, और जहां पे मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि ये लिखा गया है जेड वन जेड टू बार प्लस ये लिख सकता हूं जेड वन जेड टू बार का बार। और जब ऐसा लिखा गया है तो बताओ एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसी कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, जेड प्लस जेड बार की वैल्यू किसके बराबर, ना 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 टू रियल पार्ट ऑफ जेड, किसके बराबर है टू रियल पार्ट ऑफ जेड, मतलब ये इसके रियल पार्ट के बराबर है। मतलब क्या हो जाएगा ये यहां से मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस ये सब सारी बातें कहीं कॉपी के कोने में नोट कर लेना, ये वाली भी जेड स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा टू रियल पार्ट ऑफ ये जेड वन जेड टू का बार। बोला बात समझ में आया, या मैं ये लिख सकता हूं या मैं इसी चीज को उल्टा लिख सकता हूं, बिल्कुल बात एक ही रहेगी, जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर। मतलब यहां से हम लिख सकते हैं एक बात, ये हमको पता चल गई ये बात, रियल पार्ट नहीं कटेगा, बस आई कटेगा। अच्छा अब यहीं से जरा दूसरा वाला बात यहीं पे लिख दे, हाँ फॉर्मूला है जेड वन माइनस जेड टू का स्क्वायर लिखना होगा तो क्या हो जाएगा मॉड जेड वन स्क्वायर, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि कोई इसका मॉड पूछे तो ऐसा लगता है मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर प्लस टू मॉड जेड वन जेड टू, तो ऐसा नहीं है, मॉड जेड वन जेड टू के बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका ये टू रियल पार्ट, इसमें एक्स्ट्रा चीज आती है, आप याद करो वेक्टर में जब आप वेक्टर में पढ़े होगे दो वेक्टर का सम u प्लस v इक्वल टू पढ़े होगे मॉड u प्लस v का स्क्वायर मॉड u स्क्वायर प्लस मॉड v स्क्वायर प्लस टू मॉड u मॉड v cos थीटा, ये एक्चुअल में वही है मॉड u मॉड v cos थीटा, लेकिन हम अभी cos के बारे में इसलिए नहीं बता पा रहे क्योंकि आर्गुमेंट पे पहुंचे नहीं है हम लोग,
क्या नहीं पहुंचे हैं आर्गुमेंट में। जैसे ही आर्गुमेंट में पहुंचेंगे दोबारा मैं इसको लेके आऊंगा, दोबारा मैं दिखाऊंगा कैसे वो उसके बराबर है। जब हम सब चीज वेक्टर की तरह देख रहे हैं तो यहां वेक्टर की तरह फील आनी चाहिए और वो आएगी फील। तो मॉड जेड वन स्क्वायर मॉड जेड टू स्क्वायर यहां आ जाएगा टू रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू बार। बोलो बात समझ में आया, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये आपका दो हो गया, इसका और इसका ये। अच्छा अब यहां पे दसवां नंबर चले रहा था, 11 नंबर पे जरा यहां पे देख लो। अगर मान लो कभी ये लिख दिया जाए कि मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू इज इक्वल टू मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड टू, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट हमको पता होना चाहिए इसकी मीनिंग क्या हुई। इसका मतलब ये हुआ नहीं, ये दोनों हो गया कट गया, यानी ये दोनों जीरो के बराबर हो गया। अरे ये क्या हो गया? अरे तभी तो ये बराबर हो सकता है जब जेड वन, इसका मतलब ये हुआ। देखो अगर हम करें तो हमें लिख सकते हैं कि मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू का स्क्वायर इक्वल टू मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड टू का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो मॉड जेड वन स्क्वायर यहां भी आएगा, मॉड जेड वन स्क्वायर यहां भी आएगा, कट गया। अरे 90 डिग्री यहां कैसे हो सकता है? अभी 90 डिग्री नहीं बता सकते ना, अभी तो दूसरे चीज कुछ अभी हम कहेंगे, इसको कुछ दूसरा कहेंगे। मॉड जेड टू स्क्वायर मॉड जेड टू स्क्वायर कट गया, यहां बच गया टू रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू बार। यहां पे लिख सकता हूं माइनस, बिल्कुल वही माइनस टू रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू बार, और ये आपका इधर आके बन जाएगा फोर टाइम रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू बार इज इक्वल टू जीरो। मतलब फाइनली आया रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू बार इज इक्वल टू कितना? जीरो। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जीरो हुआ, इसका मतलब नंबर वो प्योरली इमेजिनरी है। मतलब नंबर क्या है वो प्योरली, कौन नंबर प्योरली इमेजिनरी है यहां बताओ सर? कौन सी, ये रियल पार्ट इसका जीरो हुआ तो नंबर कौन सी नंबर प्योरली इमेजिनरी है? कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है? उस नंबर का नाम क्या होगा? वो नंबर कौन सी होगी जैसे रियल पार्ट? अरे कौन सी होगी? नहीं ये आया ना रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू इक्वल टू जीरो, तो मैं लिखूंगा ना कि इसका ये नंबर प्योरली इमेजिनरी है। तो कौन से नंबर प्योरली? कौन से नंबर? अगर मैं लिख रहा हूं कि रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू बार इक्वल टू जीरो, तो इसको मैं लिख सकता हूं ना कि इमेजिनरी पार्ट इसका, ये नंबर प्योरली इमेजिनरी है, यही होता है ना, आई वाई हो जाएगा। लेकिन वो नंबर कौन सी होगी जो प्योरली इमेजिनरी होगी? जेड वन या जेड टू में से, और सोचो मैंने अगर लिखा आपसे यहाँ पे सिंपल, इधर हो गया ना इधर तो है, तो अगर मान लो मैंने ऐसे सिंपल लिखा आपसे, नहीं नहीं आप बस आप बोल नहीं पा रहे हो, सब समझ रहे हो, लेकिन हम बस इसीलिए बोलना चाहते हैं सबसे क्योंकि गलतियां आपसे होंगी ये देखने के बाद। अगर मैंने लिखा कि रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो, इसका क्या मतलब हुआ कि प्योरली इमेजिनरी हुआ? कौन प्योरली इमेजिनरी हुआ? जेड इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पे अगर मैंने लिखा जेड वन जेड टू बार जीरो हुआ, दोनों नहीं जेड वन जेड टू का बार, यही नंबर प्योरली इमेजिनरी होगी। नहीं नहीं आप लोग क्या बोल रहे थे कि जेड वन प्लस जेड टू होगा, किसको भी बोल रहा था क्यों बोलते या तो जेड वन या तो जेड टू? अच्छा जेड वन जेड टू बार, तो जो ये नंबर जिसका प्योरली रियल है उसी का होगा, जेड वन जेड टू बार इज प्योरली इमेजिनरी। अरे वाह समझ में, मतलब ये मैं बुलवा इसीलिए रहा हूं क्योंकि आपको ये ध्यान रहे कि कौन प्योरली, क्योंकि जो पिछला सवाल आपको याद होगा जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन इज प्योरली रियल नंबर था या प्योरली इमेजिनरी जो भी था, तो उसको वही नंबर उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, तो इस प्योरली इमेजिनरी नंबर। और एक और मैं बात बताया था, अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दो तरीके से लिख सकता हूं प्योरली इमेजिनरी, तो इसको क्या लिख सकता हूं आई इंटू लेमडा लिख सकता हूं क्या? याद करो ऐसा हमने बताया था क्या कि सवाल को सॉल्व करने के लिए हम कई बार इसको आई इंटू लेमडा भी मान लेंगे, तो फटाफट नोट कर लो, बाकी अभी और लिखाते हैं। जेड इज इक्वल टू इफ जेड इज इक्वल टू टू प्लस आई थ्री माइनस आई टू प्लस थ्री आई और आपका फोर माइनस थ्री फोर थ्री माइनस फोर आई देन फाइंड मॉड जेड। जरा फटाफट बताएं भाई मॉड जेड। दूसरा सवाल जेड इज इक्वल टू टू प्लस थ्री आई अपॉन फाइव माइनस टू आई इंटू टू प्लस आई इसका मॉड देन फाइंड मॉड जेड। क्या आएगा पहले वाले का, क्या करने का, क्या कर रहा हो पहले वाले सवाल के लिए?
हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मॉड लगाया तो पूरे का मॉड लग जाएगा। मतलब दो दो के पेयर में क्यों मानेंगे, चार चार के पेयर में क्यों मानेंगे भाई? ये है जेड इज इक्वल टू टू प्लस आई थ्री माइनस आई ए, और क्या है आपका टू माइनस थ्री आई ए, फिर आपका थ्री माइनस फोर आई ए। अब इसका मॉड जेड का मतलब हो गया इस पूरे का मॉड, ठीक है ना? तो मॉड जेड का मतलब हो गया इस पूरे का मॉड, और इस पूरे का मॉड को हम जानते हैं अलग अलग कर सकते हैं, अभी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, अभी भी इंटू करने के चक्कर में पड़े हो, जेड वन इंटू इस बार क्यों होगा, ये सबके मॉडुलस अलग अलग बढ़ जाता है, स्क्वायर भी क्यों करें? हम जानते हैं हम प्रॉपर्टी अभी क्या पढ़े हैं, जेड जेड वन जेड टू का मॉड इज इक्वल टू मॉड जेड वन मॉड जेड टू, यही कर सकते हैं। उसने वाले में फिर से स्क्वायर करके फिर उसका मॉड लगा के फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या फायदा? नहीं, 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 वो बता रहा हूँ, मतलब जैसे ये मॉड है इसका स्क्वायर कर, हाँ सही है, पूरा स्क्वायर हाँ, सही है, लिखना पड़ेगा दोबारा दोबारा एक बार लिखना पड़ेगा, फिर सबको एक एक कंपेयर करके कंजुगेट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं ये प्रॉपर्टी, जब जानते हैं तो इसी प्रॉपर्टी का यूज कर ले कि सबका मॉडुलस अलग अलग हो गया, ये 3 माइनस आई हो गया, ये 2 माइनस 3 आई हो गया, फिर ये 3 माइनस 4 आई हो गया, सही है। अब सबका मॉड ले लिया, इसका मॉड हो जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मॉड हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस इसका मॉड हो गया इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका मॉड हो गया इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका अंडर रूट में 5, 9 एक 10, अंडर रूट में 13, अंडर रूट में 25, यहां से आ गया, यहां से एक 5 बाहर आया, वहां से एक 5 बाहर आया, टोटल हो गया 25, मतलब यहां से 5 इंटू यहां से रूट 2 बच गया, रूट 13 बच गया, यहां पे 5 आ गया, यानी 25 रूट 26। बोलो बात समझ में आया? स्क्वायर करने से बेहतर है कि इसकी प्रॉपर्टी यूज कर ले। पूछा क्या है? अच्छा समझ में लगा है ना, होल में मॉड। अच्छा सेकंड वाले में बोलो आसान हो गया, बहुत आसान हो गया, बांट लेंगे पूरे को, फिर इसका अलग कर लेंगे, फिर इनका अलग अलग कर लेंगे। अरे बात समझ में, बनाओ फटाफट, सवाल ही इसीलिए दिया गया ये। एक बात थोड़ा सा ध्यान से देख लो यहाँ पे, अगर जेड वन प्लस जेड टू के मॉड का स्क्वायर है तो हमको पता चल गया कि ये क्या है, मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर प्लस टू रियल पार्ट ऑफ क्या है इसको, हम जेड वन इंटू ये है ना अपने पास। लेकिन अगर मान लो ऐसे आया कि जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर, तो इसको ये मत कंफ्यूज होना कि ये इसके बराबर है, मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू के स्क्वायर के बराबर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या है ये, मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू का स्क्वायर का मतलब है जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर प्लस टू जेड वन जेड टू, सिंपली जो होता है वही। यानी कहने का मतलब कि अगर जेड वन इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो, तो जेड वन का स्क्वायर का मतलब ये हो गया एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर, और इसका मतलब ये होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इंटू आई, यानी फाइनली आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू आई एक्स वाई, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी जेड वन स्क्वायर की। तो ये सिंपली स्क्वायर होगा, इसमें हम मॉडुलस नहीं सोचेंगे कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो मॉड के स्क्वायर के बराबर है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सवाल पे आते हैं, सवाल बनाओ आपका, इफ जेड इज इक्वल टू वन माइनस आई का स्क्वायर अपॉन टू प्लस आई की वैल्यू क्या होगी, देन मॉड जेड इज इक्वल टू कितना होगा, फटाफट हमें जवाब दे दो बच्चों, ठीक है। इफ जेड इज इक्वल टू वन प्लस कॉस टू थीटा प्लस आई साइन टू थीटा, फाइंड मॉड जेड, फाइंड मॉड जेड, ठीक है। अगला सवाल मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सवाल फैला दे रहा हूं, इफ रूट इफ थ्री बाई टू प्लस आई रूट थ्री बाई टू की पावर 50 इज इक्वल टू थ्री की पावर 24, थ्री की पावर 24 और ये ए प्लस आई बी, देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। पहले का आंसर क्या हो गया, बिल्कुल आप जैसे ही मॉड ये पूछा है तो आप इस पूरे पे मॉड लगा दिए होंगे,
वन माइनस आई अपॉन टू प्लस आई और इसके स्क्वायर का मॉड, अभी अलग अलग कर लेंगे, वन माइनस आई का मॉड और ये हम जानते हैं स्क्वायर बाहर आ गया, ये टू प्लस आई हो गया और यहाँ हो गया ऊपर में अंडर रूट में टू का स्क्वायर और ये हो गया अंडर रूट में फाइव, मतलब टू बाई रूट फाइव, यही आया है। दूसरे वाले का बताओ, ठीक है निकालो दूसरे वाले का। नोट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो जेड इज मॉड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही फार्मूला है, मतलब मॉड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट में रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, ये है ना। मतलब अगर जेड इज इक्वल टू आया आपके सामने 3 प्लस एक्स माइनस आई वाई, तो यहां से मॉड जेड इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर इसका रियल पार्ट पूरा ये है। अरे बात समझ में, हाँ, तो यहां पे 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 3 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब उस सवाल पे आते हैं, अब जरा उस सवाल को हम भी कर लेते हैं। आंसर शायद 2 cos थीटा आ रहा है ना, ये आपका हो गया जेड इज इक्वल टू है 1 प्लस cos थीटा, कभी गलती से अलग अलग मत कर देना नहीं तो पूरा ऐसे की तहसी हो जाएगी। हाँ पहली बार गलती हो सकती है लेकिन दूसरी बार गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। पहली बार ऐसी गलती हो सकती है कि मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड वन प्लस कॉस टू थीटा प्लस आई साइन मॉड आई साइन टू थीटा, ऐसी अगर पहली बार गलती हो तो चलेगी लेकिन इसके बाद में नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट में इसका स्क्वायर, यानी इसका रियल पार्ट है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इस पूरे का स्क्वायर, प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट है साइन 2 थीटा इस पूरे का स्क्वायर, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये और ये मिलके कितना हो गया 1, तो ये 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा, पूरे में से 2 बाहर आ गया, ये हो गया 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला पूरी दुनिया जानती है, दुनिया जहां में फेमस है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बाहर आ गया तो क्या हो गया 2 कॉस थीटा। सर हाँ क्या मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, इस पूरे का इमेजिनरी पार्ट क्या है, अरे वाई स्क्वायर, आई नहीं होता है, ठीक है ना, आई वाई स्क्वायर नहीं होता, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। तीसरे वाले में सर ए और बी तीन इक्वल ही होंगे ना, आप जरा देखते हैं कि क्या है तीसरे वाले में, ठीक है रुक जाते हैं वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली ये जो चीज दिख रही है, ये दिख रही है कि इसके मॉड अगर इसका लिया जाता, इसका मॉडुलस लिया जाता तो इसके मॉडुलस में आपका ये अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता और इसी की वैल्यू चाहिए तो क्या कर ले, दोनों तरफ में मॉडुलस ले लेते हैं डायरेक्ट, मतलब टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, टेकिंग मॉड यही है बस, आपको धीरे धीरे क्लिक करने लगेगा, धीरे धीरे लेकिन क्लिक करेगा, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, इसलिए मैं काफी सवाल इस पे कराऊंगा मॉडुलस, यानी इस मॉडुलस की प्रॉपर्टी पे कम से कम 5-6 सवाल या 10 सवाल कराऊंगा ताकि जितनी सारी चीजें हो सकती है मैक्सिमम वो सब क्लिक करने लगे आपके दिमाग में। तो टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों साइड लिया तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस आई रूट 3/2 इस पूरे की पावर 50, लेकिन हमने अभी मॉड प्रॉपर्टी पढ़ा था कि 50 बाहर आ सकता है, 3/24 ये मॉडुलस इंटू ए प्लस आई बी का मॉडुलस, अब ये तो 3/24 तो बाहर आ गया और ये उसकी पावर चला गया, यानी 3/2 प्लस आई रूट 3/2 का मॉडुलस इसकी पावर 50, ये 3/24 इंटू मॉडुलस ए प्लस आई बी रूट ए प्लस आई बी, यहां से इसकी मॉडुलस हो गया अंडर रूट के अंदर 3/2 का स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर और होल की पावर 50 यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 3/24 इसका अंडर रूट में ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसके बाद में क्या बन गया, ये कितना आ गया, ये 3/ मतलब ये कितना आया एक्चुअल में अंडर रूट के अंदर, क्या ये 9/3 प्लस 9/4 प्लस 3/4
12 बटे 4, 12 बटे 4 का रूट 3, मतलब 12 बटे 4 का 3 आ गया, तो ये 3 हो गया, 3 की पावर 50 हो गया और ये 3 की पावर 24, बिल्कुल सही है ना, सही तो जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 की पावर 25 हो गया, ये 3 की पावर 24 है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको काट दिया, यहाँ पे बच गया 3, यानी फाइनली हो गया रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 9 के बराबर डायरेक्ट आ गई। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ नोट कर लो आराम से, ये भी अच्छा सवाल मैं दे रहा हूँ, ये है आपका इफ, सवाल में कह रहा है कि 2 प्लस आई बाई आर इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 प्लस आई का स्क्वायर प्लस 4 आई का, ये बंद हो गया, फिर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। देन आपसे पूछा जा रहा है कि मॉड आर निकालो, पूरी पूरी हिंट दे दिया गया, क्या करने के लिए कह दिया, मॉड करने के लिए कह दिया। अगला सवाल, इफ जेड वन जेड टू, इफ जेड वन एंड जेड टू कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आर एनी टू, एक्चुअल में ना ये 2 थीटा है, यहां पे 2 थीटा कर लेना, हाँ ये 2 थीटा है, ये जेड वन जेड टू आर एनी टू, आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, ये सवाल आपके हर किताब में मिल जाएगा जो दूसरा वाला में लिखा रहा हूं। एंड लिखा है मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू इज इक्वल टू मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड टू, देन आपको कौन सा इसमें से ऑप्शन ट्रू है, पहला ऑप्शन है जेड वन बाई जेड टू प्योरली रियल नंबर, देन जेड वन बाई जेड टू, देन जेड वन बाई जेड टू पूछ रहा है जेड वन बाई जेड टू इज, पहला है प्योरली रियल, दूसरा प्योरली इमेजिनरी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका जीरो, और चौथा ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज, ठीक है ना। पहले का रूट में 5/6, रूट का कितना रहा, 5/5 में 5, फिर अपॉन में 6, 6 रूट में नहीं है, कितना आया पहले वाले का, पहले वाला भी किया नहीं है। अच्छा करो सर फटाफट करो, तो रूट में 5 अपॉन 6 हिसाब से, ठीक है सर, रूट में नहीं, देखते हैं। टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका मॉड में 2 प्लस आई बाई आर इज इक्वल टू पूरे का मॉड, इसको मैं एक ही साथ में अलग अलग यहां पे थोड़ा मैं स्क्वायर करके लिख रहा हूं, 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 आई प्लस 4 आई, इसका मैंने अंदर में स्क्वायरिंग भी कर दिया, मॉडुलस भी अलग अलग कर दिया, मॉड कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, ये आपका फाइनली आ गया। ये तो हो गया मॉड में 2 प्लस आई ऊपर चला गया, नीचे में मॉड आर हो गया, इसके जगह पे ये 1 से 1 कट गया क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गया, तो 1 से 1 कट गया, 2 आई ये हो गया 6 आई, और ये हो गया आपका अंडर रूट या ऐसे ही लिखता हूं अभी कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। अब दोनों का मॉड निकाला जाए तो यह है ऊपर में अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन मॉड आर, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस ये अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये हो गया आपका रूट 5 बाई मॉड आर, ये हो गया आपका 6 आ गया इंटू ये हो गया आपका 1, यानी आर की वैल्यू आ गई, मॉड आर की वैल्यू हो गई रूट 5 बाई 6, बिल्कुल सही आंसर आया। प्योरली नहीं करेंगे मॉड जेड टू से, अरे बार जेड टू, हाँ जेड टू बार से करें, हाँ ठीक है ना, अपने पास ये जो दिया हुआ है ऊपर सर प्योरली इमेजिनरी, हाँ बिल्कुल ये जो दिया हुआ है इसका मतलब हम पीछे लिखा चुके हैं कि जेड वन इंटू जेड टू बार कैसी नंबर है, प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि जेड वन इंटू जेड टू का बार का रियल पार्ट इसका क्या है, जीरो है,
इसका रियल पार्ट जीरो है। तो अगर ऐसा है तो अपने से पूछ रहा है जेड वन बाई जेड टू, तो इसके लिए हम ऊपर नीचे जेड टू बार से मल्टीप्लाई कर दें, तो जेड टू इंटू जेड टू बार ये हो गया आपका जेड वन जेड टू बार अपॉन मॉड जेड टू स्क्वायर। अब तो ये तो नीचे वाला पूरा रियल हो गया, ये रियल हो गया, और ऊपर में लिखा हुआ है कि ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो पूरा ओवरऑल क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी। बिल्कुल सही जवाब है, प्योरली इमेजिनरी। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अभी जो लेके चल रहा हूं ये बिल्कुल अलग कैटेगरी, अभी जो चल रहा था वो सिर्फ मॉडुलस के, मॉडुलस यूज करना था और मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी थी कि अलग अलग हो जाता है मॉड इस सब चीजों पे। अब एक प्रॉपर्टी हमने लिखा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, या मैंने लिखा था कि अगर कहीं मॉड जेड इक्वल टू कुछ दिया हो तो आप उसको हमेशा जेड इंटू जेड बार इक्वल टू उसका स्क्वायर करके लिख लो, और जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे यूज करना। उसके ऊपर अभी सवाल है और बहुत ज्यादा सवाल इस पे पूछे जाते हैं। एक मॉड जेड वन मॉड जेड टू, ये एकदम मतलब हर किताब के किसी भी पन्ने पन्ने पे कॉम्प्लेक्स नंबर की किताब में मिलेगा, जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री इज इक्वल टू वन, देन फाइंड वन अपॉन जेड वन प्लस वन अपॉन जेड टू प्लस वन अपॉन जेड थ्री की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एक और सवाल मैं लिख देता हूं आपका है, इफ 3z1 अपॉन 2z2, 3z1 z1 हाँ 2z2 इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर, अगर ऐसा है प्योरली इमेजिनरी नंबर तो आपको बताना है फाइंड मॉड 3z1 प्लस 5z2 अपॉन 3z1 माइनस 5z2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, चलो बताओ। हाँ तो लिखा हुआ है यहाँ पे मॉड जेड वन इज इक्वल टू वन, मॉड जेड टू इज इक्वल टू वन, मॉड जेड थ्री इज इक्वल टू वन, तीनों वन लिखा हुआ है। यहां से आ गया मॉड जेड वन का स्क्वायर इक्वल टू वन, मॉड जेड टू का स्क्वायर इज इक्वल टू वन, मॉड जेड थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू वन, यानी हम लिख सकते हैं ये जेड वन जेड टू बार, जेड वन बार इज इक्वल टू वन, जेड टू बार इज इक्वल टू वन, जेड थ्री बार इज इक्वल टू वन। यहां पे आ गया जेड वन की वैल्यू आ गई वन अपॉन, नहीं जेड वन बार की वैल्यू आ गई वन अपॉन जेड वन, जेड टू बार की वैल्यू आ गई वन अपॉन जेड टू, जेड थ्री बार की वैल्यू आ गई वन अपॉन जेड थ्री। अब सवाल में पूछा हुआ है वन अपॉन जेड वन प्लस वन अपॉन जेड टू प्लस वन अपॉन जेड थ्री इज इक्वल टू, ये हो गया यहां से ये क्या बन गया जेड वन बार, ठीक है ना, तो ये बन गया आपका जेड वन बार, ये क्या बन गया आपका जेड टू बार, और तीसरा वाला क्या बन गया जेड थ्री बार। और हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि जेड वन बार जेड टू बार जेड थ्री बार ये अलग अलग है, तो तीनों का बार चढ़ जाएगा ऊपर में, जेड वन जेड टू प्लस जेड थ्री पूरे का बार हो जाएगा, और इस पूरे के बार अभी प्रॉपर्टी पढ़ा कि मॉड जेड बार इज सेम एज, मॉड जेड बार इज सेम एज मॉड जेड, ऐसा हमने प्रॉपर्टी पढ़ लिया है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री इज इक्वल टू वन, यानी आंसर आ गया इस पूरे की वैल्यू आ गई वन। आई बात समझ में? हाँ बिल्कुल सही है। कई बार यही सवाल आपका मॉड जेड वन इक्वल टू टू, मॉड जेड टू इक्वल टू थ्री, मॉड जेड थ्री इक्वल टू फोर कुछ दे देगा, और यहां पूछेगा फोर बाई जेड वन, नाइन बाई जेड टू और सिक्सटीन बाई जेड थ्री, इसकी वैल्यू पूछेगा, काम सब कुछ सेम करना है, बस बस सेम वैल्यू सबका काम करना है। ये जरा बताओ, ये कह रहा प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो कैसे इसकी वैल्यू निकाला जाए? पहले जेड टू जेड थ्री से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, करने में क्या जा रहा है? अच्छा, और फिर जेड वन अपॉन जेड टू फॉर्म में बनेगा, ठीक है, नीचे इमेजिनरी के बारे में कुछ। अच्छा, जेड के ऊपर इमेजिनरी आ जाएगा, ठीक है, अब आगे कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, मैंने दो बात बताया था, अगर आपका कोई चीज प्योरली इमेजिनरी होती है तो दो बात बताया था, क्या दो बात बताया था मैंने, कि दो एक का इनटू दूसरे का बार, तो हाँ मतलब दो रास्ता बताया था कि जेड वन थ्री जेड वन अपॉन टू जेड टू अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसके दो रास्ते मैंने बताया था, दो रास्ते बताया था कि या तो थ्री जेड वन अपॉन टू जेड टू को कुछ आई लेमडा लिख लो, आई बात समझ में, या तो मैंने क्या बोला था कि इसका रियल पार्ट हो गया जीरो,
मतलब आपका ये हो गया इसका रियल पार्ट हो गया रियल पार्ट ऑफ 3z1 अपॉन 2z2 इज इक्वल टू हो गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि 3z1 अपॉन 2z2 प्लस 3z1 अपॉन 2z2 पूरे का बार इक्वल टू 0। जिसकी जरूरत पड़ेगी उसका यूज कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है? अच्छा देखो, इसको अगर मैं पहले वाले को लेके चलता हूं 3z1 अपॉन 2z2 इक्वल टू आई लेमडा, तो देखो एक चीज ध्यान देना कि कौन सा कैसे यूज करेंगे। यहां पे रेशियो दे रखा है, तो अगर मैं z2 को z1 के टर्म में लिख पाऊं तो z1 से z1 कट जाएगा। अरे बात समझ में? तो हम क्या कर दे यहां से z1, चलो z1 को लिख दिया हमने, z1 को लिख दिया 2z2 बाई 3 आई लेमडा। अरे बात समझ में? अब उठा के इसमें वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, जो ये लिखा हुआ है क्या 3z1 प्लस 5z2 अपॉन 3z1 माइनस 5z2 इज इक्वल टू 3z1 की वैल्यू आपके सामने हो गई 3 इंटू z1 के लिए हो गया आपका 2z2 बाई 3 फिर प्लस 5z2 इंटू आई लेमडा, सॉरी यहां पे छूट गया, आई लेमडा प्लस 5z2 अपॉन नीचे में आ गया 3z1 के जगह पे 2z2 बाई 3 इंटू आई लेमडा माइनस 5z2 इज इक्वल टू, ये देखो यहां से आपका 3 से 3 कट गया, पूरे में से z2 कॉमन होके यहां ऊपर से भी कॉमन हो गया, ऊपर से z2 कॉमन हो गया, तो ये बचा आपका 2i लेमडा प्लस 5 और नीचे में बचा आपका z2 कॉमन हो गया, तो ये हो गया 2i लेमडा माइनस 5 पूरे, z2 से z2 कट गया। और हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाएगी कि 2i लेमडा प्लस 5 अलग हो जाएगा, नीचे में 2i लेमडा माइनस 5 अलग हो जाएगा और ऊपर का अंडर रूट हो जाएगा 2 लेमडा का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन कितना आया, कितना आंसर आया 1, कट गया पूरा आंसर हो गया 1। आई बात समझ में? तो इस पूरे की वैल्यू आंसर क्या होगा, यहां से आंसर इज इक्वल टू 1। और इस पे सवाल लेकिन कल कराऊंगा, इस पे और भी सवाल कराऊंगा मॉडुलस पे, लेकिन अब कल कराऊंगा।